जो मजा तुम्हारे हाथ के चाय में है वो किसी और में कहां। वाह वाह, अच्छी है। माया बाजी, आप ऐसे ही कह रही थी कि दूध खराब है, शेरी को तो बहुत अच्छी लगी। दूध खराब ना भी हो तब भी तुम्हारी चाय ऐसी ही होती है, मतलब इतनी ही मजे की होती है। माया जी कैसी हैं? अभी कल रात में ही मोना से कह रहा था, जब से आप आई हैं इस घर में समझदारों की कमी नहीं रही। आपने कल रात तो कब कहा? जब तुम सो गई थी। क्या? आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। वाव, इतने आला शूज। यकीन नहीं आता इतने घटिया शूज मैंने खरीद कैसे लिए। जी? वैसे मैंने देखा है कि घर में किसी गेस्ट को हैंडल करना मोमी जी पर खत्म है। रियली? थैंक यू। जमा तो कभी तारीफ ही नहीं करते। औरत की जब तारीफ हो रही हो तो उसे पता चल जाता है कि दूसरे को उससे कोई काम है। आप काम भी बता दें। जी? वो काम तो कोई नहीं, कल शाम एक बहुत खास क्लाइंट को घर खाने पे बुलाया है। आप लोगों के होते हुए मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? उनके प्रोडक्ट के इश्तेहार की बात करना है। क्या नाम है क्लाइंट का? चूरन सेट। उसका प्रोडक्ट चूरन है? एकम माया जी कितनी समझदार है। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आप उन्हीं की तारीफ करें जिन्होंने उसके लिए खाना बनाना। क्या? परेशानी की क्या बात है? चूरन सेठ बहुत नाजुक मिजाज है। अगर उसने मोना के हाथ का खाना खा लिया तो अकाउंट क्या, वो तो सलाम का जवाब भी नहीं देगा। तुम मोना बाबे से कह दो कि खाना खुद ना बनाए, मेहमान को अच्छा खाना खिलाना, ताकि ख्वातीन का मूड खराब और मेरा बिजनेस खराब। वो बात तो करते हैं। सब मिलकर खाना पका रही हैं ताकि किसी एक पर बुरा खाना बनाने का इल्जाम ना लगे। क्या? तो आप क्यों अपने हाथों से उनके लिए खाना बना रही हैं? हमारी कौन सी उनसे दुश्मनी है? मतलब कौन सी रिश्तेदारी है? खाना बाहर से ले आएंगे। बाहर से खाना तो बाहर ही खिला देते। अब मैं तो वैसे ही आपका फायदा। चल देखते हैं खाने के काबिल पका भी है कि नहीं। मुझे तेरे टेस्ट पे भरोसा है। तू चख। तू टेस्ट कर तेरे खाने का जोक बेहतर है, इसीलिए कह रहा हूं तू ही चख। तू चख। तू चख। तू चख। तू चख। तू चख। नहीं, पहले मैं चखूंगा। नहीं, पहले मैं चखूंगा। पहले मैं चखूंगा। नहीं, पहले मैं चखूंगा। नहीं, पहले मैं। पहले पहले मैं। हाय, आप चोरी से किचन में हमारे हाथ का बना खाना खाने आए हैं? तो तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? चखो ना। ना मैं तुम लोग चिकन कहते हैं। क्या मतलब है आपका? इसको कहते हैं चिकन। वाओ, आओ अरे तुम लोग क्यों टाइम वेस्ट करिए, तैयार हो जा रहा। बस सोए उठे हुए हो ना तभी कहते हैं हम तैयार हैं। चलो 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 चलो। जमाल अब क्या करें, चूरन सेठ भी आने वाले हैं। मैं क्या करूं? अगर हम बाहर से खाना मंगा कर सर्व करते वक्त चूरन सेठ को वो दे दें तो? अच्छा आइडिया है, अगर सब कुछ तो खुद करे तो। कलसूम के केस में मैंने क्या बोल कर रहा हूं ना कुछ। सेठ साहब, आपके साथ आपकी फैमिली नहीं आई? और दरअसल मेरी वाइफ ने पहले से ही पप्पी को घुमाने का प्लान बना रखा था। मैंने बच्चों से पूछा कि तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे या पप्पी के साथ, वो कहते पप्पी के साथ। इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया। ये ले चूरन, और ले, आपका है सारा। ये पप्पी कौन है? ये हमारा छोटा कुत्ता है। ये जमाल किधर चले गए? खाना लेने। मैं कह रहा था आप लोगों ने खाना लेने नहीं जाना किचन में? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, चले। एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है, खा लेंगे अभी। जमाल है किधर? ओ ये नौकर कहाँ बता के जाते हैं। जी? मैं कॉल करता हूँ।
हाँ जमाल, कितनी देर खाने में? मेरा मतलब है कितनी देर इंतजार करें खाना लगाने में। ओके, खाना आने वाला है। मतलब लगाने वाला है। चलें फिर मैं खाना लगाती हूँ। एक मिनट, वो आज अच्छा नहीं लगता घर में मर्दों के होते हुए खातिन खाना लगाएं। तुम लोग टेबल पे जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। यहाँ तो मुझे अपने घर जैसा माहौल लग रहा है जी। सैयद साहब, इसे अपना घर ही समझे। चले की जगह फिश ले आया, डिलीट करवाएगा। शुक्र करो इतने शॉर्ट टाइम में ये भी मिल गई। जी ले खाना। मोना, चूरन सेठ को डाल कर दो। लेकिन चूरन है कहाँ? चूरन सेठ साहब को खाना डाल कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लेफ्ट लेग पीस लेंगे कि राइट? मछली के भी लेग पीस होते हैं क्या? हमने तो मुर्गी बनाई थी, मछली कैसे बन गई? पानी की वजह से लग रहा होगा। बकरे की मछली होती है तो मुर्गी भी हो सकती है। एक मिनट, ये तो मुर्गा था। मैं क्या? ये रहा मुर्गी, ये तो भूल गए थे वहां। ये ले, आप ये लीजिए। ये डिलीट करवाएगी। लेकिन चूरन सेठ तो मुर्गा खाते ही नहीं, इनको फिश ज्यादा पसंद है। मुझे चिकन ज्यादा पसंद है। ओके डिलीट। वो ये मुर्गा अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब? वो अच्छे कैरेक्टर का नहीं था, मुर्गियों के साथ भाग जाया करता था। वाह, क्या मर्द चिकन है। वाह जी वाह, क्या नया जायका है। इन खानों की वजह से मैं लखपति बना हूं। ऐसे खाने होंगे तो लोग बाद में चूरन खाएंगे ना। बड़ी देर के बाद ऐसा खाना खाने को मिला है। मुझे अपनी अम्मा मरहूम याद आ गई। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आंखों की बनाई जा चुकी थी लेकिन सेम ऐसा ही खाना बनाती थी। चूरन साहब, अभी मूड नहीं। मतलब चूरन सेठ आज बड़ा खुश हुआ। वो सेठ साहब, चूरन की पब्लिसिटी कैंपेन के बारे में कोई बात? अब भाई, बात करने वाली क्या बात है। मेरे जहन में तुम्हारे लिए एक पैकेज है। क्या हुआ? चप्पली। ये चिपकली किसे समय रहे हैं? चाचा आप पैकेज के बारे में बता रहे थे। अब बाहर में क्या तुम्हारा पैकेज? देखो चिपकली मारना भी नहीं आता, ऐसे मारते चिपकली। सेठ साहब मेरी बात तो सुने, वो चिपकली का पैकेज, वो मेरा मतलब चूरन का पैकेज तो बता देते। सेठ, चूरन मेरे से नाराज हो गया। मैं तो नहीं हुई ना। क्या ये चिपकली? चिपकली निकालो अपने से। क्या चिपकली? तुमने खुद ही तो कहा चिपकली। नहीं है यहाँ, मैं अंदर नहीं सोऊंगी। क्या चिपकली है? क्या हुआ, वहां पे चिपकली है? नहीं यहाँ तो। आप यहाँ? इसे चिपकली इसलिए हम ऊपर सो रहे हैं यहाँ। वो चिपकली हमसे डर के इधर उधर फिर रही है, इसलिए हम यहाँ आ गए। जानवर को क्या डराना जी? से बस गुस्सा थूक दे। यरिया, और तुमको ये नहीं पता थूकने से बीमारी फैलती है? माफी दे दे, गलती हो गई। मेरी बीवी आपको देख के नर्वस हो गई थी। वो मुझे देख के नर्वस नहीं हुई, छिपली को देख के हुई थी। एक ही बात है। क्या मतलब? मेरी बीवी को लगा उसकी वजह से सेठ चूरन ने मुझे बिजनेस नहीं दिया तो उसने छिपली को मारने
मेरा मतलब खुद को मारने की कोशिश की। उसने कहा है कि अगर सेचुरन मुझे बिजनेस नहीं देंगे तो वो मेरी खातिर जान दे देगी। कुछ करें, मेरी बीवी की जान को खतरा है। खतरा तो मेरी जान को भी है। क्या सोचे, आपकी बीवी मर रही हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? सेठ साहब मेरा घर उजड़ने से बचा ले, बिजनेस बेशक ना दे, बस एक बार मेरे घर आकर उसे कह दें कि आप उससे नाराज नहीं छिपकली से हैं, बस इतना कर दें, वादा करें। ओके, किसी दिन आके मैं कह दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बन गया उल्लू। अपने लाइन पर है। वो कह रहा था कि मैं बन गया उल्लू। बताओ ना, तुमने तो MBBS किया है, छिपकलियों के लिए कोई दवा है? छिपकलियां बीमार भी होती है? छिपकलियों को भगाने की दवा? आया बाजी इंटरनेट पे देख लेना, तो सारी दवाइयां इंटरनेट पे देखती हूँ। इससे पूछो तो बुरा लगता है, आखिर मैंने भी MBBS किया है। यहाँ तो बहुत सारे तरीके दिए हुए, समझ नहीं आ रही अपनाया कौन सा जाए। अब वन बाय वन सब इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये बताया है कि अंडों के खोल फर्श पर रखने से छिपकलियां घर से भाग जाती हैं। अंडों के खोल से छिपकलियां क्यों भागती हैं? मैंने छिपकली से पूछा था, उसने मुझे बताया नहीं। मुझे क्या पता। घर में इतनी खामोशी और सुकून, आला भाई आला। माया चली तो नहीं गई? आला भाई आला। छिपकली ने हम सबको जख्मी कर दिया। छिपकली ने किया? मैं समझी हम गिरने से जख्मी हुए। माया बाजी, इंटरनेट पे उनको भगाने का एक ये भी तरीका है कि उनकी फूड सप्लाई बंद कर दी जाए। कौन कर रहा है उनकी फूड सप्लाई? मतलब इंसेक्ट्स, वो जो खाती हैं, वो खत्म किए जाएं। लिखा है मोर के पंख रखने से भी छिपकलियां घर से भाग जाती हैं। हाँ, और मोर के पंखों से हम स्लिप भी नहीं होंगे। हाँ, ये तुम लोगों ने बालों में क्यों पंख लगाए हुए हैं? ताकि हम जहां जहां जाए छिपकलियां वहां से भाग जाए। घर से भगानी है, घर के कोनों में रखो। वो उस पंख के साथ रखो, दूसरा पंख चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मोर मोर पंख। तुम्हें अब पता चला ये मोर पंख है? अच्छा, क्या हर चीज नकली आ गई है? ये मोर पंख भी निकली था। बंदा मोरों पे भी ट्रस्ट ना करे। हम कब तक यहाँ बैठेंगे? ये तो छिपकली डिसाइड करेगी। तो बंदा जाके छिपकली को मारते क्यों नहीं? डरते क्यों? मैं डरता तो नहीं, वो आप लोगों की वजह से बाहर आ गया था। घर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा। सेठ साहब, वो चूरन की पब्लिसिटी कैंपेन में ऐसी करूंगा कि सजाए मौत के कैदी से पूछते हैं, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो कहेगा, चूरन सेठ का चूरन, मैं सुकून से मरना चाहता हूं। मेरा चूरन सुकून से मरने के लिए? और ऐड बना लेंगे, आप बस मुझे चूरन का ऐड दे दें। तुम्हारे घर चलते हैं, उधर बात भी कर लेंगे, और तुम्हारी मिसेज को बता दूंगा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो खुदकुशी ना करें। खुदकुशी कौन कर रहा है? हाँ याद आया, मोना, मगर उससे खुदकुशी की बात ना करना। बात करने से खुदकुशी करने वाले का और करने को दिल चाहता। करना नहीं, बस इस पर एकदम ये क्लियर स्प्रे कर देना है। ले कर दे, मेरा निशाना अच्छा नहीं। मुझे कुछ करें।
से आई है ये छिपकली? बशीरा किरली को बताएं कितनी छिपकलियां इस घर में। हम उनकी काउंटिंग कर रहे हैं क्या? कर ले पहले, तभी डील होगी। 300 रुपए एक छिपकली पकड़ने के लेता हूँ। क्या 300? 300 में नई लिपस्टिक आ जाती है। इससे छिपकली तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। चलो भाई जितनी भी है पकड़ो। और जितनी कहोगे पकड़ लूंगा बल्लो। वो है एक सोफे के पीछे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, जितनी भी और है पकड़ लो। सात से ज्यादा नहीं पकड़ सकता क्योंकि इतनी ही लेकर आया था। क्या मतलब इतनी है जी? ये गिन ले जी। हमें तुम पे दोबार ले जाओ, ले जाओ। दो दो जल्दी दो। शुक्र है अब हम घर में कहीं भी बगैर किसी डर के जा सकते हैं। इसे पहले ही बुला लेते। मैंने तो सोच लिया था अगर आज भी इस घर से छिपकली नाना निकलती तो मैंने ये घर छोड़ के चले जाना था। क्या? अभी कितने कमरों का घर चाहिए? तुम हमारे घर से छिपकलियां निकालने आए थे? ओए और छिपकलियां निकलवानी है? निकाल दूंगा। निकालना नहीं डालना है। हमारे घर से तो छिपकलियां लाए थे, वापस करो जी। 7 छिपकलियां तुमने हमारे घर से पकड़ी थी, वो दे दो, हमें जरूरत है। ओ जी आपके घर तो कोई छिपकली थी नहीं। आला भाई आला। फिर वो 7 क्या थी हैं? लगता है आपको पता चल गया बशीरा किरली के ट्रिक का। ओ वो जी वो तो नकली थी और मैं 7 लेकर गया था। और कसम ले ले आपके घर से तो पकड़ी नहीं थी। तो तू फ्रॉड करता है। आपको छिपकलियां चाहिए कि नहीं? यार तुम्हें वापस कर देंगे, हमने इनसे डराकर बड़ी छिपकली को घर से निकाला। वो जी 1-2 दिन के लिए दे सकता हूँ, मेरा तो रोजगार है जी। नकली है। मैं कौन सा डर रहा हूं? नकली है। ना जाए, हम फिर उस छिपकली निकाले होने को ले आते हैं। डिलीट कर रहा है का क्या? अगर वो मान गई तो? मैं मायावा जी की जगह होता तो यही करता। मतलब आप भी जा रहे हैं? मतलब मैं रुक जाता। अच्छा मैं भी रुक जाती हूँ। तुमने ये जरूर कहना था माया जी ये घर आपके रहने के काबिल ही नहीं रहा। इसीलिए मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़ मायावा जी। नहीं आ रहा वो काम जो दो इंसान ना कर सके एक छिपकली ने कर दिया। इकट्ठी कर लो बशीरा किरली को वापस भी करनी है। माफ करना मैं बताना भूल गई थी कि बशीरा किरली आया था। बशीरा किरली? ये कौन है जमाल? वो आकर अपनी नकली छिपकलियां ले गया था, ये सब असली हैं। क्या? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो